Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, और मैंने इसे बहुत ही ईजी वे में बनाया है. इवन बिगनर्स कैन ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी, और बहुत लेस इन्ग्रीडियंट से मैंने इसे बहुत झटपट जल्दी ही तैयार हो जाती है ये रेसिपी. तो उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी अंड्रेड, और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट. तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है, चलिए देखते हैं. तो वेज बनाने के लिए पहले वेजिटेबल्स को कट कर ले. मैंने कॉलीफ्लावर को इस तरह से कट किया है, और साथ में मैंने कैप्सिकम लिया है. कैप्सिकम को भी इस तरह से मैंने कट किया है, और साथ में मैंने बीन्स लिया है. बीन्स को ऐसे लंबे लंबे कट कर ले. मटर लिया है, ये फ्रोज़न मटर है, और गाजर लिया है, और साथ में पोटैटोस को भी कट किया है क्यूब्स में, और अनियन को ऐसे चॉप किया है मैंने, दो लार्ज अनियन, कुछ गार्लिक लिए हैं, ग्रीन चिलीज, कैश्यू नट्स लिए हैं, एंड टोमेटोज भी मैंने लिए हैं. सारी चीज़ों को पहले मैं इकट्ठा कर लेती हूँ अच्छे से वॉश करके, एंड देन मिक्सी जार में ब्लेंड करेंगे. जार में पहले मैं जिंजर ऐड करती हूँ. जिंजर ले लें, और ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. साथ में हैंडफुल ऑफ गार्लिक क्लोव्स को ऐड करें, और वन बाउल फुल ऑफ कैश्यू नट, और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें. जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, उसके बाद ही इसमें टोमेटोज को ऐड करें, और टोमेटोज ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लें. बिल्कुल इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना लें. बड़े से कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करें. आप कोई भी कुकिंग ऑयल से ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हो. ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करें तेजपत्ता, साथ में ऐड करें खड़ा जीरा एक चम्मच के करीब, और इलायची और दालचीनी. जैसे ही फ्राई हो जाए, इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ अनियंस, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. जब अनियंस अच्छे से फ्राई हो जाए, तब इसमें ऐड करें ब्लेंड किया हुआ पेस्ट को. इसमें ऐड करें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और इसे अच्छे से फ्राई करें, तब तक जब तक कि रॉ स्मेल ना चला जाए. मसाला थोड़ा सा भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज हुआ है. एट दिस स्टेज इसमें सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बाकी सारे इंडियन स्पाइसेस एक एक करके ऐड करें. हल्दी पाउडर ऐड करें, रेड चिली पाउडर ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड देन ऐड करें कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर. उसके बाद ऐड करें धनिया पाउडर, सभी कुछ एक एक चम्मच मैंने ऐड किया है, और साथ में ऐड करें ज़ीरा पाउडर, ये भी डेढ़ चम्मच के करीब मैंने ऐड किया, और गरम मसाला पाउडर भी ऐड करें. फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि मसाला अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल रिलीज ना हो. थोड़ा सा वाटर ऐड करें, और वाटर ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल प्रॉपरली, अगेन इसे फ्राई करें जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो. इस तरह से फ्राई करने से मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाता है, बहुत अच्छा एरोमा निकलता है मसालों का. आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी रिलीज हुआ है. आप एक एक करके सारे वेजीज को ऐड करें, जैसे मैंने पोटैटोज़ को ऐड किया
किया है। फिर मैं ऐड करूँगी कैरेट्स को। इसी तरह सारी वेजीज को एक एक करके ऐड करें। वेजीज में मैंने मटर और कैप्सिकम को ऐड नहीं किया है, बाकी सारे वेजीज को ऐड कर दें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स से ट्वेल प्रॉपरली, और इसे कवर करके कुक करें तब तक जब तक कि सारे वेजीज अच्छे से टेंडर ना हो जाए। बीच बीच में आप ओपन करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट ट्वेल प्रॉपरली और एंड अगेन इसे कवर करके कुक करें फॉर अनदर 5 to 10 minutes, जब तक कि बहुत ही अच्छे से सारे वेजेस टेंडर ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि वेजेस कितना रिड्यूस हो गया है और 50% के करीब ये टेंडर भी हो चुका है। एट दिस स्टेज इसमें मटर और कैप्सिकम को ऐड करें और ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली और इसे अगेन कवर करके कुक करें फॉर अनदर 5 minutes। और मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा इसीलिए मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है। आप टेस्ट करके आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड करें और इसे कवर करके कुक करें फॉर अनदर 5 minutes। आफ्टर 5 minutes आप देख सकते हैं कि वेजेस बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है और देखिए उस वेजेस से कितना वाटर रिलीज हुआ है और उसी वाटर से ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी रिलीज हुआ है। और एट दिस स्टेज इसमें आप ऐड करें कोरिएंडर लीव्स, गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स से और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में ऐड करें घी, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी ऐड कर सकते हो, या घी के बदले आप बटर भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे वेज। और मिक्स वेज बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करें विथ रोटी, कुलचा, पराठा, नान या जीरा राइस, बासुंती पुलाव या वेज पुलाव के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका तैयार हो गया मिक्स्ड वेज। आपको कैसा लगा ये रेसिपी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।